तो स्वागत है मित्रों एंड मित्रानियों, हर दिन की तरह आज भी हम आ चुके हैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग अपडेट लेकर, वो भी आप लोगों के लिए। मैं नहीं दिखाऊंगा। तो खैर गाइस, अपने दिमाग में जोर डालना बंद करो और हम बता दें कि क्या कुछ बात हम करने वाले। तो सबसे पहले बात करेंगे कुछ ओल्ड रेयर इनक्यूबेटर जो कि गेम के अंदर बैक आने वाले, उसके बारे में अपडेट दूंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। साथ में गाइस आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट इनक्यूबेटर के बारे में, जिसके अंदर के गन स्किन आप लोगों को मिलने वाला है। तो गन स्किन कौन सा है और देखने में कैसा है, पूरा रिव्यू कराऊंगा वीडियो में। बजाओ ताली। तो गाइस इसके साथ में आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वेपन रॉयल के बारे में, टू नाइट अपडेट भी आज हम कवर करने वाले हैं। लेकिन हाँ, ऐसा मत समझना कि अपडेट खत्म हो गया है, ऐसी बात नहीं है। साथ में बात करने वाले एक स्पेशल लक रॉयल इवेंट के बारे में, जिसको देखने के बाद आप लोग तो खुश बहुत ज्यादा होने ही वाले हो। वैसे हाँ गाइस, देखो जब मैं अपने कल वाले वीडियो के अंदर से कमेंट को चेक कर रहा था, तो भाई मुझे वहाँ पर ये कमेंट दिखा था कि एनिवर्सरी को जो फिस्ट स्किन है उसके ऊपर कुछ रोशनी डालो। तो समझ पा रहे हो गाइस, देखो काफी सारा अपडेट आपको मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो में बस आखिर तक अपने साथ में जुड़े रहो। Okay. तो फिलहाल सबसे पहले गाइस हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट एक स्पेशल लक रॉयल इवेंट के बारे में, जिसके अंदर आप लोग को एनिवर्सरी के कुछ आइटम मिलेंगे, जैसे कि एक बंडल, एक साथ में फिस्ट का स्किन, साथ में गाइस कुछ और भी रिवॉर्ड्स दिया गया, जैसे कि एक गुरुजी का गन स्किन भी मिलेंगे और एक इमोट भी मिलेंगे, जो कि पुराना है, न्यू इमोट नहीं मिलेंगे, बस एक को ऐड किया गया। तो देखो जो भी हो, ये सारे रिवॉर्ड आप लोग इस वाले लक रॉयल के अंदर मिलने वाले हैं। लेकिन बता दूं गाइस, देखो यहाँ पर स्पिन करने पर आप लोगों के स्पिन जो है वो वेस्ट नहीं जाएगा, बिकॉज कुछ टोकन आप लोगों को मिलेंगे अपने स्पिन के अंदर, जिसमें आप लोग टोकन से भी कुछ आइटम को एक्सचेंज कर सकते हो, जो कि काफी बढ़िया बात है। जो आपको पसंद आएगा आप लोग उसी को एक्सचेंज कर सकते हो। और सही बता रहा हूँ, इसके अंदर ऐसा कुछ खास आइटम तो मुझे लगा नहीं है कि जिसके लिए हम स्पिन करें, चारों आइटम ही पूरा बकवास है। लेकिन इतना बता सकता हूँ गाइस, देखो जो गुरुजी का गन स्किन है, इसके अंदर आप लोग को एट्रीब्यूट थोड़ा सा बढ़िया मिलेंगे। हालांकि सिर्फ गन स्किन के लिए स्पिन करना बहुत ही बकवास सी बात होगी, जिसके लिए स्पिन तो नहीं कर सकते। और रही बात अदर रिवॉर्ड की, मुझे कुछ खास तो लगा नहीं है। वैसे भी इमोट भी काफी ओल्ड है, उसी को बैक दिया जाएगा, जिसके लिए भाई देखो स्पिन ना करो तो ही बेहतर है, बाकी डिपेंड आपके ऊपर करता है। लेकिन बता दूं गाइस, देखो ये जो लक रॉयल का रिव्यू यहाँ पर आपको मैं कराया हूँ, ये आज रात 12 बजे के बाद ही आप लोग को देखने मिलने वाला है। एक तरफ से कह सकते कि टू नाइट अपडेट, अगर ना वाले अगर कुछ थोड़ा सा लेट करेंगे तो कल सुबह आप लोगों को देखने मिलेंगे यही वाला सेम टू सेम लक रॉयल इवेंट। लेकिन हाँ गाइस, देखो एक बात है आपको बता दूं, इसके अंदर जो इमोट दिया गया है, इमोट आप लोगों को दूसरा एक न्यू इमोट भी देखने मिल सकते हैं, मतलब रिवॉर्ड के अंदर थोड़ा मोड़ा चेंजमेंट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चेंजमेंट है गाइस, देखो एनिवर्सरी इवेंट का जो फिस्ट स्किन है वो आप लोगों को फेडरल के जगह पर इसी वाले लक रॉयल के अंदर देखने मिलने वाला है, और अभी कल सुबह ये बिल्कुल कन्फर्म है कि 22 तारीख को इवेंट आ जाएगा। तो भाई जिनको फिस्ट स्किन परचेस करना है इसके अंदर से कर सकते हो, बाकी यार आगे बढ़ेंगे वीडियो में नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो यहाँ पर गाइस देखो आप लोगों को बता दूं कि जस्टिन बीबर के थीम पे जितने भी आइटम्स आप सभी को मिलने वाला है, उसका रिव्यू यहाँ पर आपको मैं करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर आप लोग को कैरेक्टर मिलेंगे, जिसके बारे में ऑलरेडी आपको पता है, इसके बारे में और मैं क्या ही बताऊँ, इसके बारे में सब कुछ आपको पहले से ही बताया, मैं बहुत बार बता चुका हूँ इसके बारे में। नेक्स्ट में आप लोग को एक प्रैंक का स्किन मिलने वाला है, जो कि देखने में काफी सही है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पर आप लोग को MP40 का जो न्यू स्किन है वो देखने मिलने वाला है, जिसका नाम है ट्यून्स ऑफ रोज। मैं सही बता रहा हूँ गाइस, देखो मुझे इसका जो एनिमेशन है काफी बढ़िया लगा है। वैसे आप लोग को एनिमेशन कैसा लगा MP40 का, ये जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और वैसे भी गेम के अंदर काफी जल्दी में आने वाला है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर एक सर बोर्ड का स्किन देख पा रहे हो, जो कि देखने में सही है। देन एक लैम्बोर्गिनी का कार स्किन आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, कुछ ऐसे तरीके से लैम्बोर्गिनी का कार स्किन आप लोग को न्यू डिजाइन में मिलने वाला है। फिर ये वाला ग्लोअल भी आप लोग को मिलेंगे, जस्टिन बीबर के थीम पे रहेगा। लेकिन हाँ गाइस देखा जाए तो देखो ग्लोअल देखने में काफी बढ़िया डिजाइन किया गया है। वैसे यहाँ पर काफी बढ़िया इमोट भी मिलने वाला है, सिर्फ ग्लोअल नहीं बल्कि काफी बढ़िया इमोट और एक न्यू एनिमेशन भी आप लोग को मिलेंगे। साथ में एक फ्री इमोट है, जो कि पहले ऑलरेडी मिल गया है। देन गाइस देखो यहाँ पर आप लोग एक न्यू एनिमेशन देख पा रहे हो। तो कुल मिला के इतने सारे आइटम है, जिसको अपने जस्टिन बीबर के थीम पे डिजाइन किया गया है। लिटरली बता रहा हूँ गाइस, देखो जितने भी आइटम डिजाइन है वो सारे के सारे आइटम एक से बढ़कर है, मतलब सब कुछ आप लोग को बेस्ट और बेस्ट आइटम देखने मिलने वाला है अपकमिंग अपने गेम के अंदर। और मुझे तो सबसे बढ़िया लगा है जस्टिन बीबर का जो न्यू MP40 है, वो मुझे सबसे बढ़िया लगा है। वैसे कि आप लोगों को इनमें से सबसे ज्यादा बेस्ट कौन सा रिवॉर्ड लगा है ये कमेंट करना। देन बात करेंगे नेक्स्ट वेपन रॉयल के बारे में, यहाँ पर आप लोगों को मैं रिव्यू कर रहा हूँ। एक चार्जर बस्टर गन स्किन है, वो आप लोगों को नेक्स्ट में वेपन रॉयल के अंदर देखने मिलने वाला है। लेकिन हाँ एट्रीब्यूट के मामले में इस बार सही है, सिंगल लेटर फायर के साथ में डबल एक्यूरेंसी दिया गया है, जो कि देखा जाएगा। देखो तो एट्रीब्यूट इसके अंदर काफी बढ़िया मिलेंगे और लुक उतना कुछ खास तो नहीं है। फिर भी यार देखो इस गन को यूज बहुत ही कम किया जाता है अपने गेम के अंदर। वैसे अगर आप लोग चलाते तो इसके अंदर स्पिन कर सकते हो, जितने वाउचर है आपके पास वेपन वाउचर, क्योंकि देखो अगर गन स्किन आप लोगों को पसंद है। वैसे मैं इसको तो चला बिल्कुल नहीं पाता हूं, मेरे लिए यार दूसरा गन सही है, इसको मैं बिल्कुल चला नहीं पाता हूं, जिसके लिए मैं तो इसके अंदर स्पिन नहीं करूंगा। अगर आप लोग चलाते हो तो भाई आप लोग स्पिन कर सकते हो, आप लोगों के लिए बढ़िया साबित होने वाला ये वाला गन। वैसे आप लोगों के ऊपर डिपेंड है क्या करना है, आप लोग देख लेना थोड़ा सा अपने हिसाब से। अगला एपिसोड, तो अभी हम बात करेंगे आने वाले गेम के अंदर नेक्स्ट इनक्यूबेटर के बारे में। अब देखो ये नेक्स्ट तो नहीं है, मतलब इसके पहले आप लोग को मिलने वाला था, लेकिन यहाँ पर एक बंडल दे दिया गया जो कि अभी अपने इनक्यूबेटर के अंदर चल रहा है। खैर देखो जो भी हो, करने वाले ने जो भी अवेलेबल कराया हो उसमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन नेक्स्ट में आप लोग को AWM गन स्किन ही मिलने वाला है। तो बाकी यार देखो रिव्यू यहाँ पर आपके सामने, हर बार की तरफ आप लोग को 4 गन स्किन मिलने वाला है और अभी 4 कलर में।
और बता दूं आप लोगों को इसके अंदर जो एट्रीब्यूट मिलेंगे उसका भी रिव्यू यहाँ पर दे दिया हूँ, तो एट्रीब्यूट को बहुत अच्छे से देख लो। तो अपना जो फर्स्ट वाला एडम लॉन्ग वन स्किन है गाइस, देखो इसके अंदर आप लोगों को मिलने वाला है डबल रेट ऑफ फायर साथ में सिंगल आर्मर पेनिट्रेशन, जो कि यार देखने में सही एट्रीब्यूट है। मतलब यार थोड़ा मोड़ा सही एट्रीब्यूट तो दिया ही गया है, मगर गाइस देखो मेरे अकॉर्डिंग बात करें तो भाई इसके अंदर डबल डैमेज के साथ में सिंगल आर्मर पेनिट्रेशन मिलना चाहिए था, ग्रेनेबल ने वो तो दिया नहीं है, रेट ऑफ फायर यहाँ पर अवेलेबल कराया गया। गाइस देखो जो भी हो नेक्स्ट गन के बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ पर देख पा रहे हो जो कि आप लोगों को ग्रीन कलर में देखने मिलने वाला है। बात करें इसके एट्रीब्यूट के बारे में, आप लोगों को डबल डैमेज मिलेंगे साथ में सिंगल रेंज मिलेंगे। तीसरा गन इसका आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो पर्पल कलर में मिलने वाला है, और देखा जी तो इसका लुक यार देखने में काफी बढ़िया लग रहा है मुझे, तो यार इसका लुक देखने में काफी बढ़िया लगा है। बात करें एट्रीब्यूट के बारे में तो आप लोगों को सिंगल लोड स्पीड साथ में डबल आर्मर पेनिट्रेशन मिलने वाला है, और बिल्कुल लास्ट में आप लोगों को मिलने वाला है व्हाइट कलर में AWM गन स्किन, जिसके अंदर सिंगल डैमेज के साथ में डबल रीलोड स्पीड को ऐड किया गया है। अब गाइस देखो बात करें ओवरऑल कैसा कुछ है, तो भाई देखो इनमें से यार सब कुछ तो उतना कुछ खास नहीं है, मगर फिर भी अगर आप लोग बहुत ज्यादा AWM गन स्किन पसंद करते हो तो इनमें से एक गन स्किन आप लोग ले सकते हो, जो कि लेने में लगभग 500 रिमोट लेंगे एक ब्लू पिन निकालने में, तो चाहो तो एक दो स्पिन करके देख सकते हो, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके साथ में गाइस आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने आने वाले गेम के अंदर रिटर्न इनक्यूबेटर के बारे में। बेसिकली देखो यहाँ पर दो इनक्यूबेटर कंफर्म हुआ है जो कि आप लोगों को रिटर्न में देखने मिलने वाला है, हालांकि पहले इसमें क्विनर बंडल था लेकिन अभी आप लोगों को क्विनर बंडल इनक्यूबेटर के अंदर देखने में नहीं मिलेंगे, ये कंफर्म हो गया। दूसरे को ओएवी बंडल के अंदर आप लोगों को क्विनर बंडल मिलने वाला है, वही गाइस जो घिसे पिटे तीन क्विनर बंडल बचा हुआ है, मतलब कि पर्पल ब्लू और येलो, ये तीनों आप लोगों को एक डेडिकेटेड ओएवी इवेंट के अंदर देखने मिलने वाला है, जिसका रिव्यू ऑलरेडी आपको मैं कल के वीडियो में करा चुका हूं। तो सबसे पहले गाइस हम लोग यहां पर बात करते हैं रिटर्न इनक्यूबेटर के बारे में। देखो एक जोकर बंडल निकल कर आया, बेसिकली इसके बारे में आप सबको पता ही है ये बंडल कैसा होता है, मतलब देखने में यहां पर वैसे आपको रिव्यू तो करा रहा हूं। यही वाला जो जोकर बंडल आप लोग देख पा रहे हो, ये आप लोग को बैक मिलने वाला है अपने इनक्यूबेटर के अंदर, इसका चांस सबसे ज्यादा दिया गया है, सबसे पहले भाई ये आप लोग को मिलने वाला है। एंड गाइस देखो इसके बाद हम बात करें गन स्किन के बारे में, तो जिसके अंदर आप लोग को तीन गन स्किन मिलने वाला है, एक तो है यूनिकॉर्न एक, दूसरा है टाइटन एस्कर, एंड भाई तीसरा अपना पोकर MP40। इन तीनों गन को मिलकर गाइस देखो एक 3-in-1 इनक्यूबेटर बैक आने का चांस सबसे ज्यादा है, क्योंकि एनिवर्सरी चल रहा है। तो पहली बात गाइस देखो जिन दोनों का चांस सबसे ज्यादा था बंडल और गन स्किन में, उसका रिव्यू ऑलरेडी करा चुका हूं, लेकिन साथ में और कुछ बंडल वगैरह है जो कि आ सकते हैं, मगर इसके बारे में कुछ कंफर्मेशन अभी तक नहीं है, लेकिन गाइस मैं रिव्यू यहां पर आपको करा देता हूं। गाइस देखो यहां पर आप लोगों को तीन तरह का इनक्यूबेटर देख पा रहे हो, जिनमें से राइट साइड में जो देख पा रहे हो गाइस देखो वो ऑलरेडी बहुत बार आ चुका है, जिसके लिए इसको छोड़ दो। एंड लेफ्ट साइड में गाइस देखो जो इनक्यूबेटर आप लोग देख पा रहे हो, ये दोनों आने का चांस काफी ज्यादा है, जिनमें से एक तो है गोल्डन सेट और दूसरा होने वाला है अपना सामुराई इनक्यूबेटर। तो भाई देखो कुल मिला के ये दोनों इनक्यूबेटर भी इसके अंदर आने का चांस काफी ज्यादा है, मतलब सेप्टेम्बर मंथ तक आप लोग को देखने मिल सकते हैं, इन दोनों में एक ना एक तो मिलेंगे ही, लेकिन जोकर इनक्यूबेटर ये बिल्कुल 100% कन्फर्म है कि काफी जल्दी में अपने गेम के तरफ से भी को देखने मिलेंगे। तो खैर अपडेट तो मैं कवर कर दिया हूं, अब हम बात करें कुछ कमेंट्स के रिप्लाई के बारे में। तो फर्स्ट कमेंट गाइस यहां पर यह था कि सनी भाई इवो MP40 कब आएगा, साथ में कमेंट था कि सनी भाई अपना जो ब्लू एंजेलिक पैंट था और अपना जो ब्लैक टी शर्ट था वो देखने में कब मिलेंगे हम लोग को बैक। अब देखो यार इवो MP40 के बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया हूं, सबसे पहले आप लोग को न्यू MP40 मिलने वाला है ट्यून्स ऑफ रोज, और उसका ठीक कुछ दिन बाद ही आप लोग को कोबरा MP40 बैक मिल जाएंगे। और बात करें ब्लैक टी शर्ट एंजेलिक पैंट, इसके बारे में अभी कुछ भी कंफर्मेशन अपडेट नहीं है, जिसके लिए मैं नहीं दे पा रहा हूं। देन बात करते हैं नेक्स्ट कमेंट के ऊपर, जो कि ये था कि मिस्टर सब कब आने वाला है, कंफर्म डेट बताओ। साथ में कमेंट थे कि 24 अगस्त को कोबरा MP40 आने वाला है, क्या यह बात सही है फिर नहीं। पहली बात को आपको बता दिया हूं पहले, सबसे पहले आप लोग को न्यू MP40 मिलने वाला है, मतलब कि 24 तारीख को कोबरा MP40 देखने में नहीं मिलेंगे, यह बात गलत है, जिसने भी आपको अपडेट दिया ये अपडेट फेक है। देन बात करते हैं अपने मिस्ट्री शॉप के बारे में, तो मिस्ट्री शॉप आप लोग को 22 से फिर 23 तारीख को अपने गेम के अंदर देखने मिलने वाला है, मगर डेट में एक दो दिन का अंतर हो सकता है। तो बात करें नेक्स्ट कमेंट के बारे में, सनी भाई फिस्ट स्किन का कंफर्म डेट बताओ, ऑलरेडी मैं वीडियो में बता दिया हूं आज रात 12 बजे के बाद आप लोग को, या फिर कल सुबह देखने मिलने वाला है एनिवर्सरी का फिस्ट स्किन। देन गाइस नेक्स्ट कमेंट कि सनी भाई व्हाइट एंजेलिक पैंट और साथ में व्हाइट टी शर्ट कब आने वाला है, इसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं है। देखो एंजेलिक पैंट और व्हाइट टी शर्ट या फिर ब्लैक टी शर्ट बोलो, दोनों के बारे में भी कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है, जिसके लिए अभी तो नहीं कह सकता। बस इतना बता सकता हूं गाइस देखो कि व्हाइट टी शर्ट आने का चांस इस टाइम पे सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ अपडेट मेरे हाथ में लगा है, जिसके लिए बता रहा हूं कि देखो व्हाइट टी शर्ट आप लोग को इस टाइम पे मिल सकता है। तो बस गाइस वैसे मेरा वीडियो आज का यहीं तक था, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना। कल शाम को फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय।